मैं डॉक्टर गुंजन और हमारे गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज में जैसा हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कब कब कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराने जरूरी होते हैं। हमारा पहला अल्ट्रासाउंड लगभग 6 हफ्ते पर होना चाहिए, ये लगभग आपके पीरियड्स मिस होने के 2 हफ्ते बाद। सबसे पहले ये आपके प्रेगनेंसी को कन्फर्म करता है, फिर प्रेगनेंसी कितने समय का है ये बताता है, इसलिए इसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। तीसरी बात, इसमें हम बच्चे की धड़कन देख सकते हैं क्योंकि 6 हफ्ते तक बच्चे की धड़कन आ जाती है। चौथी चीज़, इसमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितने हैं, कहीं ट्विंस तो नहीं है, उससे ज़्यादा बच्चे तो नहीं है। और पाँचवीं ज़रूरी चीज़, हम ये देखते हैं कि बच्चेदानी के अलावा बच्चा कहीं और तो नहीं ठहरा हुआ है, जैसे कि कहीं ट्यूब्स में तो नहीं ठहरा हुआ है, और इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका टाइमली डायग्नोज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 6 हफ्ते से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब्स फटने लगते हैं, पेट में खून भरने लगता है, और ये फिर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड हम 11 से 13 हफ्ते के बीच में करते हैं, इसे हम NTNB स्कैन कहते हैं। इसमें हम बच्चे की ग्रोथ तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ हम न्यूकल ट्रांसक्लूसेंसी और नेजल बोन यानी बच्चे के गर्दन के पीछे की एक मेजरमेंट लेते हैं, और उसके साथ बच्चे के नाक की हड्डी बनी है यानी ये देखते हैं। इससे हम ये रूल आउट करते हैं कि बच्चे में कहीं ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम की परेशानी तो नहीं है, और अगर हमें ऐसा कुछ भी लगता है तो इसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होते हैं। और 11 से 13 हफ्ते पे जब हम ये NTNB स्कैन कराते हैं तो इसके साथ एक डुअल मार्कर नाम का ब्लड टेस्ट देना ज़रूरी होता है। स्पेशली ज़रूरी होता है जो लोग की ज़्यादा एज पर कंसीव करते हैं, यानी 35 साल या उससे ज़्यादा के एज पर जो लोग कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी जिनकी होती है, उनको ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है क्योंकि ये रूल आउट करता है कि आपके बच्चे में कहीं ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 यानी पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 यानी एडवर्ड सिंड्रोम जैसी कोई परेशानी तो नहीं है। और इसमें से कुछ भी अगर हमें शक लगता है तो फिर इसकी फिर से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और अगर ये डुअल मार्कर टेस्ट आप किसी वजह से नहीं करवा पाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो 15 से 20 हफ्ते के बीच में आप ट्रिपल मार्कर नाम का टेस्ट करवा सकते हैं। ये भी उन्हीं रिस्क ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 इन सब के रिस्क को रूल आउट करता है। अब तीसरा अल्ट्रासाउंड ये हम कराते हैं लगभग 18 से 20 हफ्ते के बीच में। इसे Level 2 स्कैन, एनोमली स्कैन, टारगेट स्कैन इन सब नाम से भी जाना जाता है। इस समय तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स, सारे अंग डेवलप हो चुके होते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, इसलिए इस समय के अल्ट्रासाउंड का सिग्निफिकेंस है ये देखने के लिए कि बच्चे के किसी अंग में कोई खराबी तो नहीं है। अब चौथा अल्ट्रासाउंड ये हम करवाते हैं 28 से 38 हफ्ते के बीच में, इन्हें हम ग्रोथ स्कैन्स कहते हैं। इस पूरे पीरियड में एक अल्ट्रासाउंड तो ज़रूरी है ही, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम 2 अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, बच्चे की जो अवल नाल डेवलप हो रही है जिसे प्लेसेंटा हम कहते हैं उसकी लोकेशन क्या है, वो बहुत नीचे तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक जानकारी इस समय के अल्ट्रासाउंड से लेते हैं। ये तो हो गए ज़रूरी अल्ट्रासाउंड्स। अब इनके अलावा अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर ट्विंस है यानी एक से ज़्यादा 2 बच्चे अगर हैं, तो इस केस में ज़रूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं और आपको करवाना चाहिए। अब अगर बच्चे के ग्रोथ में कभी डॉक्टर को कोई परेशानी लगती है तो डॉपलर स्टडीज़ करवा कर हम ये देखते हैं कि बच्चे में खून ठीक से जा रहा है या नहीं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अपने डॉक्टर के विजिट्स और अपने अल्ट्रासाउंड को प्लान करने में हेल्प करेगा। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज या सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका जवाब दूँ। और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।